एज ऐसा कुछ नहीं है फैक्टर, आपका ये चीज़ क्लियर है तो एज इज़ ए नंबर, जैसे बोलते सभी लोग कहते हैं कि एज इज़ नंबर, एग्जैक्टली एज इज़ ए नंबर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जितने भी साइकिलिस्ट हैं यहाँ पे, जितने भी लोग खड़े हैं, ये सब मुझसे छोटे हैं। हम 69, मैं भी अभी 5 जनवरी को मैं 69 ईयर्स का हो जाऊँगा, लेकिन अभी दिल लगता है कि साइकिलिंग से बड़ा एक्सरसाइज कुछ नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है। और जितना अभी आप पूछ रहे थे किसी से कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मेरा मैसेज तो ये होगा कि उड़ीसा गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ऑड इवन स्टार्ट हुआ था दिल्ली में, यहाँ पर भी ऐसा करना चाहिए, एक दिन गाड़ी चलाओ दूसरे दिन सब लोग साइकिल पर जाओ। इतनी खूबसूरत जगह है, आप अपने शहर को जितना साइकिल चला के घूम सकते हैं उतना आप गाड़ी में नहीं घूम सकते और देख सकते हैं। तो मैसेज तो यही है कि सब लोगों को साइकिलिंग करनी चाहिए, फिटनेस बनी रहती है, हेल्थ अच्छी रहती है, पैसे बचाइए, विदेशों की सैर करिए। अगर आज जो यात्रा है कहाँ से कहाँ तक है? आज हमारा है यहाँ से बहरामपुर तक जाना है, पुरी से लेके बहरामपुर करीब 131 किलोमीटर है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे तो हम शाम तक मेरे ख्याल से 6 बजे के आसपास तक हमको पहुंच जाना चाहिए। देखें तो वर्ल्ड रे यदि टूर डी फ्रांस परे टूर डी कलिंग होची जो थे गोटे एडवेंचर टीम से माने साइकिल रैली माध्यम विभिन्न ओडिशार प्रांगण जाउचंदी। ए जो आज रैली एठरो बाहरुची से पाखापाखि 1300 किलोमीटर कवर करिवे, एथरे अराउंड 17 जन सदस्य अच्छा, एवं पुणी से 13 दिन पर 1300 किलोमीटर कवर कर पुणी बैक करेंगे, जोटा कि अति सुंदर अभियान। ये अभियान में जो सामिल रही आमर ओटीवी रिप्रेजेंटेटिव जो मधुबाब डिस्ट्रिक्ट करेस्पंडेंट मधुसूदन मिश्र से कोऑर्डिनेशन ये प्रोग्राम कर गत काली से आसी पहुँचे, आम जिला प्रशासन तरफ जिलापा निर्देश क्रम स्वागत करूँ, आज सीअप करने जाऊँ। एवं यही प्रकार जत्रा मैंने गोटे इंटरनल जो रोचे अंडरस्टैंडिंग बढ़ो एवं समस्त जो भाईचारा स्नेहमता बढ़ोतापुर जो आमर ओडिशार जो विभिन्न कोणनकोणे जो रही सुंदर टूरिस्ट स्पट गुराक आइडेंटिफाई लोकलोचन आणवे, यार उद्देश्य हूँ सौहार्दपूर्ण वातावरण भितर टूरिस्ट सेक्टर के डेवलपमेंट करने रही है। ये आडभेचर टीम जाऊँच निश्चित आम धन्यवाद दबा। और ये मैं पार्ट हूँ टूर दे कलिंगा 4th एडिशन का, इसमें है 1300 किलोमीटर्स इन 13 डेज, सो विल बी साइकिलिंग अक्रॉस उड़ीसा फॉर 13 डेज एंड विजिटिंग मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द दिस स्टेट। फर्स्ट थिंग इज अगर आपको नए लोगों से मिलना है, नई चीज़ें सीखनी है, नया फूड खाना है, तो साइकिलिंग से बढ़िया मीन्स नहीं हो सकता। इससे हम लोग जैसे हमें आपसे बात कर रहे थे, आई वुड नॉट हैव बीन दिस प्लेस अगर मैं साइकिल नहीं चलाता। 2-3 दिन से हम लोग आसाम मतलब कल भुवनेश्वर में थे, वहाँ का लोकल फूड खाया, कोणार्क गए, कल ये पुरी में आए, जगन्नाथ मंदिर गए। तो अगर नए लोगों से मिलना है, अपना इतना बड़ा देश है, इसकी विविधता है, इसको अगर अनुभव करना है, तो मैं तो सोचता हूँ कि साइकिल से बढ़िया चीज़ नहीं है। और इसमें हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि पोल्यूशन भी बढ़ रहा है आजकल लोगों को, अभी कोरोना के टाइम लोगों को पता चला हेल्थ इज़ वेल्थ, तो अगर आप जितना अपने हेल्थ पे ख्याल करोगे तो वही आपका सबसे बड़ा वेल्थ है। सी पर्यटक लोकल पर्यटक आमर बाहर राज्यर पर्यटक आउ इंटरनेशनल पर्यटक मोर गोटे छोटिया बार्ता रहिबो, विश्वरे टूर डी फ्रांस पर जदि आउ गोटे किछि प्रॉपर्टी डेवलप होइछि फॉर प्रमोटिंग इको टूरिज्म सोशल सेंसिटाइजेशन ऑन दिस मच अवेटेड इश्यू ग्लोबल वार्मिंग एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन, दैट इज टूर डी कलिंग 1300 किलोमीटर फ्लोरा एंड फौना, ईस्टर्न घाट माइटी ईस्टर्न घाट, चिलिका लागुन्स, पुरी, दिस इज ए पाराडाइज ऑन अर्थ। लोक मैंने आसतु एठिक आमर जो हॉस्पिटल, आमर जो हॉस्पिटैलिटी सेटा देखंतु, ओडिशार फूड साइंस, ओडिशार कल्चर, ओडिशार क्राफ्ट, ओडिशार ट्रेडिशंस नो हैव टू बी फाइंड, मोस्ट वेलकम यू टूरिस्ट एनीवेयर एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड।